हमारी अगली स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस सौम्या रघुबीर, प्रिंसिपल वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़। मिसेस रघुबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत वक्त तक स्कूल्स जो थे ऑनलाइन रहे, हालांकि अब स्कूल्स ऑफलाइन हो गए हैं, लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है कि इसका क्या असर पड़ा है बच्चों की पढ़ाई पर, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर? अचानक ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड की तरफ जब हमको जाना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और सबने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया। पर हर चीज़ के जैसे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो ऑनलाइन मोड के बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स थे। ऑनलाइन मोड में एक तो शिक्षा जो है वो निरंतर चलती रही, उसमें रुकावट नहीं आई, पर उसका एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए डिसएडवांटेज ये रहा कि देयर वाज लॉट ऑफ इंक्रीज इन द स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे आईसाइट इश्यूज जो है बच्चों में डेवलप हुए, एंड स्टडिंग विथ पीयर्स, ग्रुप एक्टिविटीज जो हम लर्निंग को प्रमोट करने के लिए स्कूल में क्लासरूम में करवाते हैं, तो दैट वॉज मिसिंग। जैसा आपने कहा कि बहुत जरूरी होता है कि बच्चों के फुल डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपके स्कूल में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या क्या फैसिलिटीज हैं या किस तरह की एक्टिविटीज आप बच्चों को सिखाते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। एक तो वो सोशल स्किल्स सिखाता है, इट ऑल्सो डेवलप्स इंटेलेक्चुअल स्किल्स, पर्सनैलिटी में एक बहुत अच्छा निखार लेके आता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स जो है स्कूल करिकुलम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन आर कैंपस। वी हैव अनपैरेलल्ड सिंथेटिक ट्रैक्स ऑन फील्ड, 3 टेनिस कोर्ट्स, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, द हॉकी फील्ड, ताइक्वांडो, आर्चरी, फेंसिंग, ऑल फैसिलिटीज, ऑल वेदर स्विमिंग पूल। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर विच केटर्स टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली थ्रू अकेडमिक्स, ऑल्सो थ्रू द co-curricular activities in that way. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, you are the principal of an education institute. आजकल जो parents हैं उनके लिए बड़ा confusing हो जाता है ये choose करना कि बच्चों को किस school में भेजा जाए, कौन सा board लिया जाए, क्योंकि आजकल specially बड़े शहरों में भी ये हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे boards के option हैं, फिर international schools भी हैं, IB curriculum भी है, ICSE, CBSE, you know, there are so many boards. Parents are so confused what should they choose for their children. So can you throw some light on that? पालक को स्कूल का चुनाव बहुत विवेकपूर्ण प्रयास से करना चाहिए और स्कूल का योगदान बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण और उसके भविष्य निर्माण में बहुत अहम भूमिका रखता है। उन्हें सर्वप्रथम सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि स्कूल की जो इमेज है, उसकी जो सार्वजनिक छवि है, वो एक उम्दा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की हो। सेकेंड इज कि एक ऐसी संस्था जो शिक्षा के उच्च आदर्शों में ना केवल विश्वास रखती हो बल्कि उन पर अमल भी करती हो, जहां करिकुलम के जो प्रभावी शिक्षण है, द वे द करिकुलम इज टॉट, उसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी की भी डेवलपमेंट हो और उस पर बहुत ध्यान दिया जाता हो, और इस विजन और मिशन जो होता है स्कूल का, उद्देश्य और आदर्श, इसको पूरा करने के लिए स्कूल में संसाधन क्या सही तरीके से हैं, व्हाट आर दो संसाधन, वो रिसोर्सेस क्या हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड एजुकेटर्स, एंड सेकेंड इज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके 21st सेंचुरी स्किल्स को केटर करता हो। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि
एजुकेशन वर्ल्ड सर्वे के अनुसार भारत के जो टॉप 10 स्कूल्स हैं उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? छत्तीसगढ़ में वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल हैज नो सिक्योर्ड फर्स्ट रैंकिंग इन डिजाइन थिंकिंग लीडरशिप एंड इज नंबर 2 इन कोएड डे स्कूल्स एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट। और बहुत खुशी होती है मुझे कि हमको ये एजुकेशन वर्ल्ड सर्वे के द्वारा ये रैंकिंग मिली। सबसे पहले तो हमारा जो एजुकेशनल ये जो कैंपस है इट इज़ वेरी स्टिम्युलेटिंग। सेकंड इज इट इज़ कम्प्लीटली पैंडमिक सेफ स्कूल। थर्ड इज इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल। ऑल माय स्टाफ आर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड। Fourth is we have smart classrooms with LED interactive panels. We have indoor auditorium equipped with latest 3D technology. It is the biggest single block area of 2 lakh square feet. So it's a very beautiful campus. I would invite you to visit sometime, Soumya. बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बढ़िया पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी।